हर एक कौम में और एक फर्द में अपनी नफ्स के ऊपर सबर करने का जज्बा नहीं है, हिम्मत नहीं है, नियत नहीं है, कसद नहीं है, इरादा नहीं है। हालात पर सबर करने के लिए नियत नहीं है, इरादा नहीं है, कसद नहीं है, इंटेंट नहीं है। रिसोर्सेस पर सबर करने के लिए नियत नहीं है, इरादा नहीं है, कसद नहीं है, अजम नहीं है। और वो महज एक कंप्लेन बॉक्स और क्रिटिसिज्म की एक बाप बन चुका हुआ है उसका। अगर वो सबर नहीं कर सकता, वो किसी स्टेशन की लेंथ पे सबर नहीं कर सकता। बास स्टेशन 6 महीने के होंगे तुम्हारी लाइफ में, बास 6 साल के, कुछ 10 साल के होंगे। उस स्टेशन को अगर वो सबर नहीं बख्शा गया तो यू विल फॉल डाउन इन दैट वन एंड यू विल नॉट क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट वन। तो अक्सर तहरीकें, अक्सर तकमीलात, तजमीलात, तहसीनात और तशरीफात और तकरीमात इसलिए अधूरी रह गई इस दुनिया में कि उनमें सबर नहीं था टुवर्ड्स द कॉस्मोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ सक्सेस इन दिस वर्ल्ड। ये अल्लाह की दुनिया है, इसमें एक एलिमेंट आपके हाथ में है, बट द डिजाइन एंड द पैटर्न इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड। ही विल गो अलोंग विद यू आना इन द जन्नी अब्दी बी के तहत, अल्लाह से मैं तेरे गुमान के मुताबिक। लेकिन ये एक ड्यूअल रिलेशनशिप है, यू हैव टू क्वालिफाई फॉर इट। और एक स्टेशन से दूसरे से तीसरे से चौथे में अपने मिड 15 से लेके मिड 20s में एंड फ्रॉम मिड 20s टू मिड 30s इसके अंदर जितने भी पैटर्न्स होंगे, अगर उसमें ये एक बड़ा आर्टिकल जिसमें से कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी, फॉलिंग डाउन एंड गोइंग फॉरवर्ड, डिसिप्लिन जो हमारे कायदे आजम का जो बड़ा आर्टिकल है उसमें से डिसिप्लिन फॉल्स इनटू सबर। अगर हब्स नफ्स नहीं है, इफ यू कैन नॉट होल्ड योरसेल्फ बैक, कहां बोलना है कहां नहीं बोलना, कहां रखना है कहां नहीं रखना, कहां एस्टैब्लिश कराना है कहां एस्टैब्लिश नहीं कराना, कहां मैनिफेस्ट करना है कहां मैनिफेस्ट नहीं करना। शरीयत को नाजिल करने का सबसे बड़ा इंसेंटिव वज़ शय अला मौज़ई है अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक जुरिसप्रूडेंस, पुटिंग द राइट थिंग एट द राइट प्लेस एंड द रॉन्ग थिंग एट द राइट प्लेस एज वेल। अगर ये एलिमेंट नहीं होगा, इल्म उरूज का भी हो, इल्म उरूज पर भी हो, वो कौम कौम नहीं बन सकती, वो कौम बढ़ नहीं सकती। वो एक लेवल पे आके इस जिंदगी के आर्केड मोड के अंदर एक आध स्टेशन के ऊपर ऐसी बला आगे खड़ी होगी कि वहां आपके पास वो रिसोर्स नहीं होगा लड़ने के लिए, क्योंकि हर जंग महज स्ट्रेटजी से नहीं जीत जाती। उसका एक बड़ा आर्टिकल अकॉर्डिंग टू अल्लाह इन फाइंडिंग दैट पोटेंशियल और अपने पोटेंशियल को उस एलिमेंट पे ले जाने के लिए जहां अंताबुद अल्लाह का अन्ना का तराहू हो, तुझे दिखेगा वो जो अभी दिख नहीं सकता किसी को। ये इनिशियल स्टेजेस में नहीं होता। सो द फर्स्ट आर्टिकल इज सबर एंड द सेकंड इज वकानु बियातिना युकिनून, यकीन, सर्टेनिटी, कन्विक्शन, परसेप्शन, रैशनैलिटी, रीजनिंग एंड डिवेल्विंग इन टू द एकेडेमिया रिगार्डिंग योरसेल्फ, दुनिया, अल्लाह, रिसोर्सेज अराउंड योरसेल्फ। इल्म एंड सबर ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिनिस्ट्री की बात आई एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, देन ही सेड हफीजुन अलीमुन, हफीजुन साबिर अगेंस्ट हिज नफ्स, अलीमुन नॉलेजेबल इनफ टू नो हाउ टू यूज द ट्रेजरी। जब सूरह असर का स्टार्ट होगा, द फर्स्ट टू आर्टिकल टू एग्जेम्प्ट योरसेल्फ आउट ऑफ खसारा इज ईमान, अमल सालेह, इल्म एंड अमल, एंड देन रीचिंग दैट पार एक्सीलेंस इज तवासो बिल हक एंड तवासो बिस सबर। हक वही बयान करता है जिसमें यकीन होता है, सबर वही करता है जिसको पता है कि वो यकीन उसको कुछ लेके देगा। तो सबसे बड़ी बात की अगर आपके ये दो आर्टिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है, और आप या तो जल्दी पहुंच जाएंगे और सोनिक अपने रिंग्स छोड़ देगा उस चैप्टर के अंदर, और अगर आप लेट पहुंचेंगे तब भी अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। अगर आप सारा साधो सामान अपने इन स्टेशन में कलेक्ट नहीं करेंगे कॉन्टेम्पलेशन, तफक्कुर, तज़क्कुर, तदब्बुर के बाब के अंदर, तो आगे बड़े बड़ी बलाएं खड़ी हैं अगले स्टेशन में जो आपके नफ्स को इस लेवल का चैलेंज करेंगी। इस लेवल का आपको हार्नेस करना पड़ेगा अपने आप को कि आप मुश्किल